खरगोन जिले में अनुसूचित जाति जनजाति पर अन्याय अत्याचार शोषण एवं भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए भीम आर्मी के पदाधिकारियों ने शहर में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर आक्रोश दर्ज कराया। धरने के बाद SDM कार्यालय पहुंचे, जहां ज्ञापन सौंप कर इस घटना पर अंकुश लगाने की मांग की। वहीं ज्ञापन में बताया कि जिले में SC ST पर अन्याय चरम पर है। पिछले कुछ सालों से सामाजिक संगठनों के द्वारा समय समय पर आवेदन निवेदन के माध्यम से आवाज उठाई जा रही, लेकिन वह सिर्फ कागजों में सिमट कर रह जाती है। धरातल पर कोई बदलाव नहीं दिखाई देता। कोई किसी की जमीन पर कब्जा कर लेता है तो कोई किसी का रास्ता रोक देता है, कोई हमारे शमशान घाट की भूमि पर कब्जा कर लेता है, कोई मारपीट अभद्र व्यवहार सरेआम कर देता है। किसी को भी कानून का डर नहीं है, जो चिंतनीय है। समाजजनों ने कुछ घटनाओं का जिक्र करते हुए प्रशासन से इन पर रोक लगाने की मांग की। नंबर को मर्दाना सरपंच महोदया के साथ में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा गाली गलौज और मारपीट की गई, जो कि एक जनप्रतिनिधि है और अनुसूचित जाति से आते हैं, और इससे काफ़ी समाज में रोष है, क्योंकि जब एक जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है तो फिर एक आम आदमी की क्या स्थिति होगी इस जिले के अंदर, जिसके विरोध में और अन्य जो सामाजिक समस्याएं हैं उनको लेकर के बीमार में आजाद समाज पार्टी द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन और महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। मांग यही की जा रही है कि उनको अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, और जिस प्रकार उनमें से एक अपराधी जो अद्यतन अपराधी है और उनका गांव के अंदर भय है, तो हमारी पुलिस से मांग है कि जिस प्रकार गुंडों पर आप कार्रवाई करते हो उसको भी गांव से हथकड़ी लगा करके गांव से लेकर जाए, जिससे वहां का समाज भय मुक्त हो। और जो भी अन्य मांगे हैं जो ज्ञापन में प्रेषित है। सुनील चौहान, जिला प्रभारी भीमार में आजाद समाज पार्टी जिला खरगोन। सर 2 तारीख को अधिकारी भगवान दरबार ने बुलाए थे, भगवान मंडलोई ने, और उन्होंने जांच पे बुलाए थे कि हमको 8 लाख रुपए दो, तो हमने दिए नहीं, तो उन्होंने जांच पे बुलाया, शिकायत कर दी, तो अधिकारी आया तो भीड़ ज्यादा हो रही थी पंचायत में, हम लोगों को बाहर बैठ जाओ, तो बाहर नहीं बैठे और कहे कि तो पलाइटी हमको बाहर निकालेगी, तो उन्होंने छत मेरे को गाली गलौज की सरपंच को, और उसके छोरे ने छत प्रकाश ने 2 चाटे मार दी मेरे को, सरपंच को, और महिला हूँ, तो फिर उसमें से विवाद खड़ा हुआ, तो हमने बोले बेटा बेड़ा थाना चौकी जाओ FIR करेंगे, तो वो रिपोर्ट करी हमने FIR, तो उसको अब लग गिरफ्तार नहीं किया, और इसलिए हमने धरना धरा। और पहले भी 2 सरपंचों को उसने हटा दिया था, आदावासी SC ST का सरपंच रहने नहीं देते वो, वो तो 2-4 आदमी है और वही सरपंची करते हैं और वही पंचायत को खाते हैं और कुछ काम नहीं करवाते। 8 लाख रुपए किस बात के लिए मांग रहे थे? रुष्पत खा मांग रहे थे वो, उसने मंत्री को बोला था, मंत्री ने उनको बोला, तो उन्होंने बोला कि हम कहाँ से दे भाई, हमारे गांव में डूब में काम ज्यादा आता नहीं और ऑनलाइन है, और 8 लाख काय का दिए, हम कहाँ से दे, हमारे घर के खेती बाड़ी है, इसलिए उन्होंने शिकायत करी और ये विवाद खड़ा करा। उसको हथकड़ी लगाना चाहिए अपराधी को, उसको तो कुछ नहीं कहीं करा दिया ही नहीं, और उसकी भी रिपोर्ट लिख ली, हम भी रिपोर्ट लिख ली, तो फिर उसको अपराधी को हथकड़ी लगाना चाहिए कि महिला और को चाटा मारना भूल जाए और ये रुष्पत खाना भूल जाए। राम प्यारी भाई चतभल से सरपंच मर्दाना पंचायत। भीम आर्मी वाले आए थे अभी जिले में, कुछ अनुसूचित जाति जनजाति को के व्यक्तियों पे हुए अत्याचारों से संबंधित इनकी शिकायतें थी, उसको लेके इनने आज धरना प्रदर्शन किया यहाँ पे, और यहाँ पे अभी आके SDM कार्यालय में ज्ञापन दिया है। इनका ज्ञापन वरिष्ठ अधिकारियों को अग्रिम कार्रवाई के लिए अभी भेजा जा रहा है। मुख्य रूप से उनकी मांग थी जो अभी 2 तारीख को बेड़िया थाने के एक सरपंच, महिला सरपंच के साथ कुछ वहाँ के सामान्य वर्ग के व्यक्तियों द्वारा, अनुसूचित जाति वर्ग की महिला के साथ सामान्य वर्ग के कुछ व्यक्तियों द्वारा अभद्र व्यवहार किया था, मारपीट की गई थी, उसको लेकर उनका ज्यादा आक्रोश था। और जो ज्ञापन में मूल रूप से उल्लेखित किया गया था, वो महिला सरपंच भी ज्ञापन देने आई थी, तो उनका ज्ञापन जो राज्यपाल महोदय के नाम इनने दिया है वो तत्काल वरिष्ठ कार्यालयों को अग्रिम कार्रवाई हेतु भेजा जा रहा है। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स, और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।